संभल बिना अनुमति के बीच चल रही हड्डी पकाने की फैक्ट्री। मामला जनपद संभल की उपनगरी सराय तरीन का है, जहां पर बिना अनुमति के घनी आबादी के बीच जानवरों की हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं तथा उन्हें लोहे के ड्रम में भरकर आग में पकाया जाता है, जिसकी दुर्गंध से वहां लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। पीड़ित रहा पुत्र नूरे इलाही निवासी मोहल्ला पीला खदाना अब्बास कॉलोनी सराय तरीन थाना हयात नगर में इसकी शिकायत जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देकर की। पीड़ित का कहना है कि इन हड्डियों को पकाने के दौरान वायु प्रदूषित होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और तो और इसकी गंदगी से लोगों में त्वचा रोग भी पनप रहे हैं, जिसमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते घरों पर रहना मुश्किल हो रहा है। क्या परेशानी है आपको? हमें परेशानी हमारे घर पर सामने गंदगी बहुत होती है, हम भी मना करते हैं और हमें मन नहीं लगता। परेशानी क्या वजह है? परेशानी ये है कि करती हूँ, हड्डी घिस जाती है। अच्छा, कारखाना लगा हुआ? कारखाना लगा हुआ है सामने, गेट के सामने हम मना कर रहे हैं, वहाँ वो लोग मानना रहे। सारा प्रदूषण आपके घर पे आता है? हाँ, सब हमारे घर पे आती है ना दूर। तो शिकायत नहीं की आपने पुलिस से? हाँ, तो हमने दोनों को कर दी। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी? तो कोई सुनवाई तो कर ही है, और जमाने में हमारे घर एक आगे एक जावे कारखाने सामने, हमारे घर के सामने चारों तरफ अब कारखाने आपके घर के लागे। हाँ, चारों तरफ कारखाने, साइड में भी और सामने भी। लेकिन एक दिक्कत है। हाँ, क्या आप बताई थी इससे पहले एक आपके घर में किसी महिला की मौत वगैरह हो गई थी, कौन थी वो आपके सास? अच्छा, तो उन्हें क्या परेशानी थी? परेशानी थी क्या बोले हैं, तबियत खराब हो गई थी उनकी, तबियत सास की वजह से, मतलब धूप की वजह से जो है ना, सांस नहीं ले पाया उनसे, सांस की बीमारी थी ना, सांस नहीं ले गए उनको। अच्छा। इनसे मना करा क्या बोले हैं, रोको तो उन्होंने रोकी ना था।